town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hey guys, good morning, welcome back. माई यूट्यूब चैनल एलेक्स का व्लॉग आ गया तेरा भाई फिर से नया एपिसोड लेकिन आ तो गया गाइस, लेकिन आज बचेगा नहीं वो इसलिए क्योंकि गाइस आप देख ही सकते हैं कि धूप कितनी भयानक तरीका से निकली है। एक क्षेत्र कहीं मध्य प्रदेश के ऐसे ऐसे हैं जहाँ धूप का नामो निशान नहीं है और वर्षा इतनी ज़ोरों से चल रही है कि ना पूछो मत। और एक अपना महाराजपुर है पगलमपुर जैसा, यहाँ पर धूप ही धूप का ही नामो निशान है बहुत ज़्यादा, बट पानी तो 0% है और कहीं कहीं इतना पानी है कि पूछो ही मत। तो अभी जा रहा था थोड़ा मैं शॉप पे क्योंकि काम था, लेकिन धूप के चक्कर में भाई वहाँ का समझे हो गई हम लोगों। और आज का इस ना सुबह सुबह पवी से भी बात की थी, पवी गया केदारनाथ, जय श्री महाकाल जय श्री श्याम। तो हम जाएंगे जय श्री श्याम के पास, वो गए हैं महाकाल सरकार के पास और वहाँ भाई बहुत जोर है ठंडी और पानी इतना ज़्यादा है कि भाई पूछो ही पर। और एक साइड मेरे यहाँ भी भयंकर गर्मी और भयंकर धूप, तो धूप के चक्कर में ना भाई घर में भी थोड़ा आराम करेंगे उसके बाद फिर कहीं निकलें, क्योंकि जो शॉप का काम था वो मैंने सारा कंप्लीट ही कर लिया है। तो वो हो गए कंप्लीट होके अब नेक्स्ट कोई और नया सीन देखेंगे और फिर चलेंगे गाइस कहीं पे इंटरेस्टिंग जगह, क्योंकि अभी तो वैसे भी एडवांस में तो आपसे बोल रहे 15 तारीख को ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है अपनी लाइफ में जो बाबा श्याम की कृपा से आ जाएगा और आपको भी बताएंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है उसके लिए, जब आ जाएगा तो जैसे ही कमिंग सून होगा मैं आपको बता दूंगा गाइस। ओके गाइस चाचा जी को देखिए क्या ढूंढ रहे हैं, लगता है उनका कुछ खो गया है कचड़े में, बताएंगे नहीं वो क्या खो गया, क्या कर रहे हैं अंकल जी। हे गाइस बाहर जाना चाहते भी हैं बट बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं जाना चाहते तेरा भाई। धूप ने ना भाई तांडव मचा के रखा है महाराजपुर ज़िले में, तो पैसे में कैसे पहुँच गए लोग। गलियाँ आप देख ही सकते हैं ऐसे लगते हैं जैसे बनारस की गलियाँ, बिल्कुल शांति वाली, बस छोटे मोटे बच्चे बस घूमते हैं उन्हें तो क्या उनके मॉम डैड को परवाह ही नहीं है कि बच्चे किधर घूम रहे क्या कर रहे हैं, बस वो तो क्या धूप में लगे हुए हैं अपने खेलने कूदने में। और बाकी मोहल्ले का हाल तो देख ही सकते हैं आप कि पूरा ख़त्म हो खेतों में भाई, कोई नहीं दिख रहा क्योंकि गर्मी भाई इतनी भयानक है ना कि कोई नहीं आना चाहता ऐसे में। तो मैं क्यों जाऊँ भाई, मैं भी थोड़ी देर से निकलूँगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग फिर से, क्योंकि मैं सो गया था, मैंने बोला था गर्मी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन अभी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि मतलब इतना ज़ोर से पानी आया था ना भाई, इतना ज़ोर से कुछ पूछ नहीं, मैं सामने आपको मैं दिखाऊँ ना तो देख सकते हैं बम आने लगी, मतलब जो पानी का जो बहाव रहता है ना छत पे से तो वहाँ पे ऐसे पानी आने लगता ज़ोर ज़ोर और रोड पूरा गीला हो गया, लेकिन कुछ नहीं थोड़ा सा वर्षा बाकी ख़त्म। और सामने आप बादल भी देख सकते हो कितना भयानक है, लेकिन पानी का थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा गीला किया पानी ने और बस और कुछ नहीं करना उसको, और मुझे भी थोड़ा सा गीला कर रहा है। ये देख सकते हैं सामने पानी आ रहा थोड़ा और यहाँ रोड पर भी थोड़ा सा पानी, बाकी कुछ भी नहीं पूरा खुल गया बादल। ऐसे हैं हमारे भगवान जी यहाँ के, मतलब वो भी बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा करो पानी यूज़, उसके बाद बढ़ा देना, ख़त्म हो जाए तो फिर से हम लोग डाल देंगे उसमें पानी। अभी मौसम बहुत ही अच्छा था लेकिन क्या बताएं उसके लिए हम लोग, और देखो जैसा भी जो रहेगा और अपडेट करेंगे आपको। और श्री राम सरकार तो धम्मू भाई के झंडे हैं तो उनका भी लहरा रहा है झंडा, लेकिन थोड़ा डैमेज हो गया, उसको चेंज भी करवा देंगे। आ गए थे गाइस रेडी होके थोड़ा तालाब के पास, क्योंकि सोचा थोड़ा तालाब में देखें कि पानी आनी वगैरह आया है कि नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो तालाब कट जाते हैं। व्यू भी बहुत अच्छे आ रहे थे, व्यू तो ठीक ठाक ही आ रहे हैं दोस्तों, बट पानी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है क्योंकि पानी प्लस कचड़ा दोनों में कम्बाइंड है, क्योंकि पानी ज़्यादा आ जाता तो कचड़ा इधर से उधर हो जाता, बट पानी कम ही आया इस बार। तो अभी पानी कम आया तो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं मछलियाँ वगैरह पकड़ रहे हैं, क्योंकि कम पानी रहता है तो मछलियाँ जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। तो बाकी ठीक ही ठाक है जो भी है वगैरह वगैरह, और कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो अभी देखते हैं। चलो गाइस चलते हैं घर, क्योंकि घर का थोड़ा आ गया फ़ोन, तो अभी घर का कैप्चर करेंगे अपने भांजे का क्या कर रहा है वो। आ गए हैं गाइस फाइनल घर, और घर पे जो था वो सारा कंप्लीट कर लिया काम, बाहर घूमना फिरना और ठंडी गर्मी का मौसम जो था भाई आज पूरा कैप्चर कर लिया। तो आप लोगों के बीच में थोड़ी देर बाद शो करेंगे भाई यूट्यूब के,
क्योंकि अपडेट सॉरी अपडेट नहीं करना है उसको एडिटिंग करना है, तो एडिटिंग करके आपको शो करते हैं। आप लोग लाइक करना, प्यार करना, बहुत सारा लव यू करना, जो भी वगैरह वगैरह सब लोग सपोर्ट करना भाई। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, टेक केयर, ओके बाय बाय, जय श्री श्याम।